हाय एंड वेलकम टू तैयारी 360 मैं हूं अंश अग्रवाल आज हम डिस्कस करेंगे सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो फ्रांस रिलेशनशिप तो आइए स्टार्ट करते हैं इन द ईयर 1998 फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की क्या होता है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझते हैं लेकिन नाइनटीन में ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ ये भी मेच्योर हुआ भी नहीं था State. और ऐसा करते ही यूएस लेड वेस्ट इंपोज ऑन इंडिया लेकिन फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशियट डायलॉग विद इंडिया फ्रांस ने इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हुए यह बात समझी कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म करना बहुत जरूरी था बिकॉज ऑफ हॉस्टाइल नेबर्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान फर्दर मोर आप ये बात समझेंगे जो परमानेंट फाइव मेंबर्स हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट रखते हैं पी फाइव नेशन जिनके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है उनमें फ्रांस वो पहला मुल्क बना जिसने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म की जरूरत है और इसमें इंडिया की एक परमानेंट सीट होनी चाहिए इंडिया इज बिड फॉर अ परमानेंट सीट इन री एंड एक्सपेंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे भी बैक किया फ्रांस ने फॉर द फर्स्ट टाइम अब हम देखते हैं 1998 से क्या डेवलपमेंट हुई है लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ बोथ इंडिया एंड फ्रांस सैट टूगेदर टू डिस्कस थ्री इशूज दैट इज न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस इवेंचुअली इस एजेंडा को एक्सपैंड कर उसमें काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऐड कर लिया गया यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि 2014 के बाद इट बीन सीन के इंडिया और फ्रांस में देर हैज देर इज अ ग्रोइंग अलाइनमेंट वो क्लोज आ रहे हैं ऑन अ नंबर ऑफ इशूज जैसे क्लाइमेट चेंज एंड रिफॉर्मिंग मल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक आई वर्ल्ड बैंक एंड इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कहूंग वी हाईलाइट बिटवीन इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप तो इट इज द डिफेंस टाइज इज दाइलाइट ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप तो डिफेंस में आपको के बारे में पता ही होगा एयरक्राफ्ट जो फ्रांस की एविएशन द्वारा डेवलप किया गया है का मतलब होता है गश ऑफ विंड तो भारत ने फ्रांस से 36 सिक्स रफेल एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के थ्रू परचेज किए हैं और एज पर दिस एग्रीमेंट इज एन ऑफसेट क्लॉज ऑफ यानी भारत जितना खर्चा करेगा उसका फिफ्टी परसेंट अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोर री इन्वेस्ट होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एरोस्पेस इंडस्ट्री ये तो हुई रफेल की बात अब बात करते हैं स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स की तो भारत ने सिक्स स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स बनाई हैं किसने बनाई हैं है डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कैसे बनाई हैं थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेंच नेवल ग्रुप

ये भी वो फ्रांस के साथ को प्रोड्यूस कर सकता है नाउ एज एज फार आर कंसर्न तो जिसमें भारत और फ्रांस की नेवी एयरफोर्स और आर्मीज पार्टिसिपेट करती है देवर इनिशिएटेड इन द ईयर 2001, 2004 एंड 2011 थाउजेंड इलेवन रिस्पेक्टिवली फ्रेंच प्रेजिडेंट इमेन मैक्रॉन वॉज दीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑन 26 जन तो आइए देखते हैं इस दिन क्या अनाउंसमेंट्स हुई 26 जनवरी को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयर बस ने एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया कि वो असेंबली लाइन बनाएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिविलियन हेलीकॉप्टर एच वन टू फाइव इन इंडिया भारत की डीआरडीओ और फ्रांस की सेफ्रन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ टू डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एन एयरक्राफ्ट इंजन कौन सा एयरक्राफ्ट भारत का फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहां को यह भी बताता चलू जो मैंने तैयारी 360 सिक्सटी प्लेटफॉर्म के शॉर्ट्स पे भी आपको बताया है कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएस की फर्म जर्नल इलेक्ट्रिक के बीच एक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू जर्नल इलेक्ट्रिक के एफ फोर इंजन को भारत में अब बनाया जाएगा और यह इंजन तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को पावर भी प्रदान करेगा अब आते हैं स्पेस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस तो देखिए स्पेस रिलेशंस और कोऑपरेशन इन द स्पेस रियल 1960 से ही स्टार्ट हो गया था जब हमने फ्रेंच एड की हेल्प से श्रीहरिकोटा में एक लॉन्च फैसिलिटी सेटअप करी लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया उस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का पार्ट नहीं था और फ्रांस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का पार्ट था तो बिकॉज़ ऑफ दीस एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स ये कोऑपरेशन जो है वो ये प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी हिंडर्ड हुई लेकिन फिर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब स्ट्रैटेजिक डायलॉग दोबारा से ओपन किया गया तो इसने रिवाइव कर दी हमारी स्पेस कोऑपरेशन और आज हमें जॉइंट मिशंस देखने को मिलते हैं बिटवीन इसरो एंड फ्रेंच स्पेस इसरोन एस यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि फ्रांस ट्रांजिशन कर रहा है नॉट ओनली इन एयरफील्ड मतलब अब उसकी एयरफोर्स जो है वो सिर्फ एयरफोर्स नहीं बल्कि एयर एंड स्पेस फोर्स बन जाएगी और भारत ने भी डिफेंस स्पेस एजेंसी एस्टैब्लिश कर दी है और दोनों कंट्रीज की डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सप्लोर कर रही हैं अपॉर्चुनिटी कि कैसे फर्दर कोलैबोरेट और कोऑपरेट किया जा सकता है इस सेक्टर में अब समझते हैं कुछ मेजर चैलेंज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है देखिए एज फार एज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप इज कंसर्न इट इज एक्सिलेंट लेकिन वेन इट कम्स टू प्राइवेट कमर्शियल एंड सिविलियन सिविलियंसर्स द रिलेशन इज सब ऑप्टिमल इसलिए मेजर चैलेंज ये है कि हमें रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम नॉट ओनली इन गवर्नमेंटल रियन बट ऑल्सो टू कमर्शियल प्राइवेट कमर्शियल एंड सिविलियंसर तो इसके लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश किए गए हैं जिन्होंने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जैसे एग्रीकल्चर एनवायरमेंट सिविलेविएशन आई टी टेलीकॉम अर्बन डेवलपमेंट जहां पर हम ज्वाइंटली वर्क कर सकते हैं आप समझते हैं कि फ्रांस भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों देखिये आफ्टर ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन फ्रांस इज द गेट वे टू यूरोप एंड फ्रैंकोफोनी कंट्रीज तो क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यह है कि हम फ्रांस के एलाय हो गए हम फ्रांस के साथ कंप्लीटली अलाइनमेंट कर चुके हैं नहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यह मतलब नहीं है कि देर इज कंप्लीट अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिर्फ इतना मतलब है कि दोनों पार्टनर्स सेंसिटिविटी रखेंगे टू ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट और अगर कोई गिला शिकवा अगर कोई डिफरेंसेस होंगे भी तो उन्हें पब्लिकली एड्रेस नहीं किया जाएगा रादर प्राइवेटली एड्रेस किया जाएगा बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब है को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करेंगे नाउ एज फार एज इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप इज कंसर्न इसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किए हुए पच्चीस साल हो गए और इन पच्चीस सालों में इस रिलेशनशिप ने जो मेच्योरिटी और साइलियंस दिखाई है उससे हम ये बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि फ्रांस इज डेफिनेटली इंडिया नेचुरल पार्टनर तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इन इंटरनेशनल अफेयर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आर प्लेटफॉर्म तैयारी थ्री सिक्सटी थैंक यू